भाषा का चुनाव आवाज की ऊंचाई से है।
मैं बताना चाहता हूँ कि मौखिक संप्रेषण एक मुखाग तरीके से बोला जाता है।
और लिखित में हम लिखने का तरीका लिख के समझाते हैं। मौखिक संप्रेषण में हम एक एक समय में एक से अधिक बातें अनेक बातों का प्रयोग कर सकते हैं, बता सकते हैं, जबकि लिखित संप्रेषण में हम मिनिमम जैसे 5 मिनट में हम मौखिक में 500 बार 250 बार बोल सकते हैं, जबकि लिखित में हम मिनिमम 1 के 2 के 250 शब्द संस्कृत से लिख सकते हैं। मौखिक संप्रेषण में गोपनीयता रहती है, यदि हम कुछ बात करें, यदि मैं क्लास में किसी को कुछ बोल दूँ तो इस बात का सिर्फ मैं इस बात को झुठला भी सकता हूँ, जबकि लिखित में ऐसा नहीं होता, इसका प्रमाण रहता है। जैसे कहा जाए तो बही का पट्टा या कुछ भी चीज़, जैसे मकान में जैसे पट्टा लगता है, इस बात को मकर नहीं सकते, इसमें मकर सकते हैं। इसमें कुछ यहाँ पर जैसे मैं भाषण दे रहा हूँ तो मेरी बात यहाँ से बाहर भी आदमी व्यक्ति देख भी सकता है, सुन भी सकता है, जबकि लिखित में व्यक्ति सिर्फ पढ़ ही सकता है, देख नहीं सकता है। मौखिक संप्रेषण में हम अनेक बातों को भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे व्यक्ति अपने हाव भाव से भी पहचाने जा सकता है, जबकि लिखित में सिर्फ लिख के भी बस देखा जा सकता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी लिखित मौखिक भाषण देते हैं, जबकि अन्य नेता गण हम क्या करते हैं, वो लिखित देते हैं, भाषण देते हैं। और किसी को कुछ कह तो सकते हैं, पर उसको हम बातों को दोबारा विचार भी कर सकते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है लिखित में। I am living from the country. My last qualification is standard 12th class pass and I am joining ITI. I will be describing the topic of communication skills. So friends, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि communication skills मतलब संप्रेषण है क्या चीज, इसकी क्या परिभाषा है। तो संप्रेषण की परिभाषा है किसी डाटा संदेश या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना, ये संप्रेषण कौशल कहलाता है। संप्रेषण का अंग्रेजी में कम्युनिकेशन है, यह है रिटेन शब्द कम्युनिकेशन बनाए। तो फ्रेंड्स, मैं इसके बाद एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ कि संप्रेषण के प्रकार क्या है। संप्रेषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला मौखिक संप्रेषण, दूसरा अमौखिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहला मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अमौखिक संप्रेषण क्या होता है। अमौखिक संप्रेषण अपने भावनाओं और एटीट्यूड को प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं आपको, जैसे हम अपनी खुशी को प्रदर्शित करते हैं तो हम थोड़ा सा अपने कंधे उठाते हैं, मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हैं, जैसा हमारा बंजारा भाई है बोला है कि क्यूट है, थैंक यू। अब इसके बाद मैं आपको फ्रेंड ये बताना चाहता हूँ कि मौखिक संप्रेषण क्या है। मौखिक संप्रेषण कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसे हम इशारा द्वारा नहीं बता सकते, तो उसमें लिखना या बोलना पड़ता है, तो उसमें मौखिक संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद संप्रेषण अति आवश्यक होता है, परंतु फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, कुछ बाधाएं होती हैं। जैसे अभी मैं अभी बैठ जाऊँगा तो आप मेरे समर्थन के लिए ताली जरूर बजाओगे, उसके बीच अगर मैं आपको कुछ बोलूँ कुछ बताऊँ तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, उसमें नॉइज मतलब जो उत्पन्न शोर, वो संप्रेषण की बाधा है। थैंक यू फ्रेंड्स, होपिंग मी टू दिस ऑपर्चुनिटी। Thank you.
अर्थात
गलती करना, जब वक्ता वक्ता की बातों को या प्रसंगता को सुनकर श्रोता प्रोत्साहित होता है या अपने कार्य है श्रोता प्रोत्साहित होकर अपने कार्य को और बेहतर ढंग से करता है तो उसे हम अप्रेरणा कहते हैं। अप्रेरणा जैसे कि एक व्यक्ति में किसी कार्य को करने की क्षमता है परंतु वह किसी कारण अपने कार्य को नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्योंकि या फिर उस काम में उसकी रुचि नहीं है या उसका जो है उसका नहीं उसका करने के लिए सुविधा नहीं है, तो ऐसे अवसर पर यह आवश्यक हो जाता है कि उस व्यक्ति को उस कार्य करने के लिए अगर उसमें रुचि पैदा की जाए उस कार्य के प्रति तो वह व्यक्ति उस कार्य को आसानी से कर सकता है और अच्छे बेहतर से कर सकता है। तो अब चलते हैं अपन मोटिवेशन अप्रेरणा की परिभाषा। अप्रेरणा की परिभाषा बहुत से विद्वानों ने या वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से दी है, जिसमें सबसे पहले स्पिनर कहते हैं कि अनुप्रेरणा सीखने का एक सर्वोत्तम मार्ग है। जैसे कि जब हम लैब में कुछ कार्य करते हैं तो हमें निर्देश देने वाले सर होते हैं, कोई भी कार्य सीख रहे हैं तो उससे पहले सर हमको बताते हैं कि इस कार्य को इस तरीके से करना है। जब सर है तो हमें यह मालूम चलता है कि इस कार्य को किस तरीके से करना है। जब सर बता देते हैं तो हम उस कार्य को अच्छे ढंग से या बेहतर ढंग से कर लेते हैं। अब दूसरा दूसरी परिभाषा मैकडूगल है। मैकडूगल की एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है जो अपने कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। शारीरिक मतलब शरीर से जो उत्पन्न होने वाली और मनोवैज्ञानिक अपने मन में उत्पन्न होने वाली वे अभिप्रेरणाएं जो अपने आप को श्रम को किसी भी कार्य को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करती हैं उसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अब चलते हैं अपन अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक वित्तीय या मौद्रिक अभिप्रेरणा, जो कि वित्तीय या मौद्रिक अभिप्रेरणा का मतलब यह है कि जब हम किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को पैसे या मुद्रा देकर उस कार्य को करवाते हैं तो उसे हम वित्तीय या मौद्रिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे एक साड़ी की दुकान में दुकान वाला मालिक एक अपने दुकानदार जो उसके यहाँ काम करता है मजदूरी करता है उसको कहता है कि एक साड़ी की कीमत मान लो कि 450 रुपये है, यदि तुम इस साड़ी को 500 रुपये में बेचते हो तो इसके जो 50 रुपये बचते हैं वो तुम्हारे होंगे, तो इससे यदि मैं इस साड़ी की कीमत जो अगर 450 की है 500 में बेचता हूँ तो इस पर फायदा किसका होगा, मेरा होगा, तो इसको हम मौद्रिक या वित्तीय अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरा है उदाहरण बोनस। दुकानदार जो दुकान का मालिक होता है वो अपने कार्य करने वाले व्यक्ति को यह कहता है कि यदि तुम एक दिन में मान लो कि 25 साड़ी से अधिक बेचते हो तो तुमको मान लो 200 या 300 रुपये का अधिक दिए जाएंगे, मतलब साथ में तुम्हें अपने दिन की मजदूरी मिलेगी और जो कमीशन मिल रही वो भी मिलेगी परंतु इसके और अधिक पैसे दिए जाएंगे, तो उस व्यक्ति उसको क्या होता है कहीं से ना फायदा होता है, तो इसको हम मौद्रिक अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरी में चलते हैं अपन गैर वित्तीय या अमौद्रिक अभिप्रेरणा। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी व्यक्ति को बिना पैसे के कार्य करवाया जाता है तो उसे हम गैर वित्तीय या अमौद्रिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जब जैसे सराहना या प्रशंसा, कोई व्यक्ति कोई कार्य को कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो यदि उस कार्य के प्रति हम उसकी प्रशंसा करते हैं जिस कार्य को वो कर रहा है
उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो वह व्यक्ति अपने कार्य को और बेहतर ढंग से करेगा, बेहतर ढंग से करेगा। अब ये अपने दो प्रकार से अभिप्रेरणा थे। इसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने, विभिन्न प्रकार के विद्वानों एवं वैज्ञानिकों ने भी अभिप्रेरणा के प्रकार बताए हैं। जैसे कैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा के तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक जैविक अभिप्रेरणा, नंबर दो सामाजिक अभिप्रेरणा और नंबर तीन मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। सबसे पहले बात करते हैं अपन जैविक अभिप्रेरणा। जैविक अभिप्रेरणा होती क्या है? जैविक अभिप्रेरणा जो जीवों के द्वारा या जीव जंतु या जो अभिप्रेरणा मिलती है हमको, हम उनको हम जैविक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे कोयल, कोयल को सभी जानते हैं, कोयल की बात हमको अच्छी लगती है, मधुर लगती है, तो उस कोयल को के द्वारा हमें भी यह सीखने को मिलता है कि हमें किस प्रकार की बात बोलना चाहिए या बात करना चाहिए जिससे सभी को प्रिय लगे, मधुर लगे। और दूसरा है अपना मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा इसका मतलब यह है कि जैसे कोई कार्य है, कोई कार्य को हम कर रहे हैं, कोई कठिन कार्य है, उस कार्य को करने के पहले हम अपने मन से पूछते हैं कि हम इस कार्य को कर रहे हैं तो हम इस कार्य को करने में जो हमारा मन कहता है कि हाँ इस कार्य को अपन कर सकते हैं, पहले अपने मन में उसकी झलक उठनी चाहिए, उस कार्य के प्रति रुचि पैदा होनी चाहिए कि नहीं हम इस कार्य को कर सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अपनी कि नहीं इस कार्य को कर सकते हैं, तो वही मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा है। नंबर तीसरा है सामाजिक अभिप्रेरणा। सामाजिक अभिप्रेरणा यह है कि जैसे जो अभिप्रेरणा दी जाती है उसे हम सामाजिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, उसमें ये मामूली बात तो नहीं है कि एक व्यक्ति उसको कार्य को कर सकता है, उसमें समाज के बहुत व्यक्तियों की जरूरत होती है और वो अपनी सलाह के अनुसार अपनी सलाह देते हैं और प्रेरित करते हैं कि इस कार्य को इस बात ही करना चाहिए, तो उस कार्य को हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा रहा है ना, मैं 10 से 9 नंबर लेकर